हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग विद चित रेखा। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद ही टेस्टी और सॉफ्ट दही वड़े। इसे बनाने के लिए हमने एक फुल कटोरी मूंग दाल ले ली है और हाफ कटोरी उड़द की दाल ले ली है। अब हम इसे एक कटोरे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें इसे रात भर या 4 से 5 घंटे भी आप सोक कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये है फाइन पेस्ट। हमने दाल को सोक कर लिया था, उसका हमने ऐसा फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, यही होगी कंसिस्टेंसी हमारे वड़े के लिए। तो दही वड़ा बनाने के लिए बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो है दही। उसके अलावा हमने यहाँ पे ले लिया है कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और किसा हुआ अदरक। तो चलिए दही वड़ा बनाना शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ हमारे इस पेस्ट में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए, इसे फेंट लें अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से फिट जाए, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि अच्छी तरह से बना है कि नहीं। उसके लिए हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे इस तरह, उसमें हम थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करके देखेंगे। अगर वो तैर जाए, ये देखिए जैसे ये तैर रहा है, मतलब हमने सही फेटा है। और अगर वो डूब जाए तो हमें और फेटना है। तो क्योंकि हमारा मिक्सचर सही तरह से फेटा चुका था, हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जो घिसा हुआ अदरक, हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च थी उसे ऐड कर देंगे और इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। लेकिन तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया है गुनगुना होने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। इस पानी का इस्तेमाल हम हमारे वड़े को सॉफ्ट बनाने के लिए करेंगे। ये देखिए, हमने नमक मिक्स कर दिया है। हम इसे गुनगुना होने के लिए कुछ देर फ्लेम पर ही छोड़ देंगे। तब तक हमने यहाँ ऑयल ऐड कर दिया है हमारा वड़ा फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए, आप इसे हाई फ्लेम पे रखें ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए। अब हम हमारा वड़ा इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, वड़ा की साइज़ आप छोटी ही रखें क्योंकि वो खाने और सर्व करने में बहुत इजी होती है। ये देखिए, इतने छोटे छोटे वड़े ही आप बनाइए। और उसे अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए हम ऑयल में ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने यहाँ ज़्यादा तेल लिया है तो हम इसमें ज़्यादा वड़े ऐड कर रहे हैं। अगर आपने कम तेल डाला है कढ़ाई में तो आप थोड़े कम वड़े भी ऐड कर सकते हैं। हम हमारे वड़े को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए, सारे वड़े ऐड कर दिए हमने। अब हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। ये देखिए, हमने एक साइड से पलट दिया इसे और हमारे वड़े कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं एक साइड से। हम इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारे वड़े पक चुके हैं। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सारे वड़े निकाल लिए हैं। अब हमने जो वड़े फ्राई किए हैं उसे जो गुनगुना पानी हमने तैयार किया था उसमें डाल देंगे और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसे उस पानी में सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम यहाँ बाकी वड़े भी तलने के लिए डाल देंगे कढ़ाई में। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे वड़े बनाएंगे हम। ये देखिए, तो जब तक इधर हमारे वड़े तल रहे हैं और हमने उधर सोक करने के लिए वड़े रख दिए, तब तक हम दही रस तैयार कर लेते हैं अपना। उसके लिए हम सबसे पहले दही को फेंट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे फेंटने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे और उसके साथ ही थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करेंगे और इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी दही फिट चुकी है। अब ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारे सोक किए हुए वड़े को बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम उसे हाथ से इस तरह से चाक के उसका पानी अलग कर देंगे, फिर हम उसे हमारी फिटी हुई दही में ऐड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए,
ऐसे ही एक एक करके हम सारे वड़े को इस दही में ऐड कर देंगे। ये देखिए, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दही अच्छी तरह से इसमें लग जाए। देखिए वड़ा का साइज़ छोटा है तो ये देखने में भी अच्छी लग रही है और सर्व करने में भी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे दही वड़े को सर्व करने के लिए निकालेंगे एक दूसरी प्लेट में। ये देखिए, आप ऊपर से और दही ऐड कर लें क्योंकि ये स्वादिष्ट लगती है उससे। इसे और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जो है सबसे पहले इमली की चटनी, जिसे बनाने का वीडियो हमने पहले ही ऐड किया अपने चैनल कुकिंग विद रेखा पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी कि कैसे इमली की चटनी बनानी है। तो हमने सबसे पहले इसमें इमली की चटनी डाली, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया की चटनी ऐड करेंगे। ये देखिए ये कितना कलरफुल और सुंदर लग रहा है, और ये खाने में भी उतना ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। हमने इसमें अभी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, और अब ये थोड़ा सा जीरा पाउडर, और लास्ट में ही हमने ऊपर से थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है इस पर। तो ये देखिए बनके तैयार है हमारी स्वादिष्ट दही वड़े। देखिए देखने में जितना अच्छा है, खाने में भी उतना ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर ज़रूर करें, हमारे चैनल कुकिंग विद रेखा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।